डिस्कॉम कार्यालय यहाँ पर पहुंचे, तो क्या कुछ वजह रही इतने जीएस का? आपने निरीक्षण भी किया, तो वहाँ क्या कमियां पाई गई जिसकी बात को लेकर? लाडला कई दिन में ना मैं लगभग सिव और गडरा रोड लगभग सारा ही जीएसएस देखा, वो था किसान मिलिया ग्रामीण के नाम मिले। आज तारीख में ना हमारे ये पूरा क्षेत्र में ना वो कह सकता कि बाढ़ में और जैसलमेर पूरा क्षेत्र में बिजली में बहुत बड़ा संकट, किसान जता भी है वो हो ही कर ली, पर आज तारीख में हुआ ना 4 घंटा भी बिजली पूरे तरीके को नहीं मिल पा रही, जिकर वजह में ना हुआ ना डेली धरना दे रहा। जब मैं धरातल पर माथे गयू मैं देखी कि एक भी जगह लॉग बुक मेंटेन को नहीं, जो शेड्यूल बनाएगा उस शेड्यूल कोई भी तरीके में फॉलो नहीं हो रहा। 33 कटरे नाम आता बार बार ट्रिप हो रही है लोगों रिमोट ट्रांसफर की, ये साथ ही साथ किसान भाई सारा ही परेशान है, वो ना मजबूरन जीएसएस का घेराव करना पड़ रहा है। आप विचार करो कि ये दौर में मिला वो ना बुआई भी ना लागू चाहिए, वो किसान आना आज तारीख में घेराव वास्ते जीएसएस आगे बैठना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं बात करूँ आप ना तो जितना भी ग्रामवासी है जितना भी गाँव है वो ना बिना सिंगल फेज लाइट विशेषकर रात के टाइम में तो बिल्कुल खोल जिके टाइम ज्यादा जरूरत है, जितनी भी नई सेक्शन स्कीम सभी वो भी पूरे तरीके में ठप है। फॉल्ट वगैरह ना लेर जितनी भी एफआरटी जो तमाम जितनी भी एजेंसी जिन्होंने काम करना चाहिए तो वो भी कोई तरीके मौके माथे नहीं, खूब सारी अनियमितता आज दिन देखने ना मिले। और साथ ही साथ जितना भी कर्मचारी है वहाँ माथा भी कई सारा आरोप लाग रहा है, तो वहाँ तमाम चीजें ना देखते हुए धरातल की रिपोर्ट ना देखते हुए आज चीफ ऑफिसर भी ना थोड़ी देर पहले तक चर्चा चलती पड़ी, आज अखबार भी वार्ता और दौर जारी है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम आ गया है, अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो रविंद्र सिंह तो हमेशा तैयार ही है। मैं वो किसान भाइयों ने भी कहूँ कि साहब थाना ये जीएसएस माते धरो देने जरूरत को नहीं, था सभा पांती रहूँ एक लो गड़ो और उसी जगह बैठे था रहकर अधिकारों ने बात ना मजबूती मांगी थे काकी। तो अखबार वार्ता और दौर जारी है, जो 6 घंटा बिजली की बात करी है तो 6 घंटा अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो पर जो भी बिजली दो वो ना आप पूरे तरीके में दो, अमूमन हो कि रहे है कि 4 घंटा बिजली भी है पूरे दिन भी सर्किल कर रहा है, 10-10 मिनट स्लॉट में दे रहा है, जिसकी वजह भी आज स्थितियां पैदा हो रही है। ग्राम गांव की स्थिति अगर आपने बात करा तो गांव में ना घरेलू लाइट बिल्कुल भी सिंगल फेज कोई भी गांव में ना कोने मिल रही है, विशेषकर शाम के टाइम जिसके टाइम दिया बत्ती टाइम में भोजन टाइम में वो टाइम अमूमन है लाइट काट दिया करे, सुबह सुबह भी लाइट कोई तरीके नहीं मिला कोने, तो बहुत बड़ी समस्या आज तारीख में मिला बिजली दी है। और बतौर जनप्रतिनिधि मारू धर्म भी है मारू कर्तव्य भी है कि ये यारी बात ना आगे तक रखा और यारी समस्या हल करा, तो ये वास्ता आज बैठा। मैंने उम्मीद है कि निश्चित रूप में मेरा परिणाम जो है वो सकारात्मक रहा है, अगर सकारात्मक नहीं आए तो मैं मारू आगे। सर मैं देख रहा था आप कह रहे थे कि कुछ कर्मचारी है जिसके पास है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों से लेन देन है किस तरह का, वो क्या प्रभाव है? देखो कई सारा जो कर्मचारी है वैसे की वैसा की एक दो कर्मचारियों की वजह में ना पूरा डिपार्टमेंट कई बार उन्होंने भी लज्जित होना पड़ जाए, वो डिपार्टमेंट पूरे ना संसार कर दिया है। आज तारीख में ना कई सारे है जो जो किसान अपने जो क्षेत्र है ये ना किसानों की कोई विशेष आय को नहीं है, किसान खेती मात्र निर्भर है और उन्होंने डिपेंडेंसी पूरे तरीके में भी मारता है, पर फिर भी जितना भी अपना किसान भाई है उन्होंने डिपेंडेंसी खेती रहा था वो कुछ जबरन वसूली चली, अगर कोई रुपया नहीं दे तो वहाँ कोई तरीके की लाइट भी पूरे तरीके में नहीं दे रही, तो एडा कई सारा स्क्रीनशॉट है कई सारा जो कर्मचारी है वो जो कोई स्क्रीनशॉट भेजे है अमूमन काफी स्क्रीनशॉट आ गया है काफी हराना है। आते हूँ निश्चित रूप में आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एमडी साहब ने और चीफ साहब ने ये जवाब भी मांगा, और जो चीफ साहब है हमसे ये भी कह रहे थे विधानसभा में जो भी कह रहे थे वो जीएस के आखिरकार हो गया। देखो जीएसएस 220 जो कह रहे हो मैंने लाडली बार विधानसभा रे सवाल रे जवाब रे तौर माते बतायो गयो कि मैं लगभग अक्टूबर तक 30 अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया।